भांडेर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक भानु ठाकुर के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर भानु ठाकुर ने कहा कि यात्रा के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। भानु ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता भानु ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। भानु ठाकुर ने कहा कि भांडेर विधानसभा में 103 पंचायतें हैं और 228 पोलिंग बूथ हैं। ये यात्रा सभी पोलिंग बूथों और सभी पंचायतों में पहुंचेगी। भानु ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा पूरी 580 किलोमीटर की है और ये 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम घर घर जाएंगे और लोगों को कमलनाथ सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। हम जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान घर घर दस्तक देने का काम समूचे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में। ये यात्रा का उद्देश्य हमारा 2 महीने का है, इसमें 580 किलोमीटर की दूरी लगभग पूरी आकलन की गई है। 228 विधानसभा में जो हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। तो इसकी दूरी 580 किलोमीटर की दूरी मैप और नक्शा बना के तैयार की गई है। ये भांडेर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे दतिया जिले में पहली बार है जिसमें घर घर जाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब वरिष्ठों के नेतृत्व में, जितने भी हमारे साथ वरिष्ठ रहते हैं सभी के नेतृत्व में हम लोग घर घर जाने का काम करें। उद्देश्य एक ही है कि सरकार कांग्रेस की बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।